दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। देश की राजधानी में कोरोना के घटते केस को देखते हुए लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बड़ी मेहनत से कोरोना को काबू में किया गया है, लेकिन अभी पूरी लड़ाई जीती नहीं है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। तो इसीलिए जो अभी तक अपने को फायदा हुआ पिछले एक महीने के लॉकडाउन का, ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए। तो इसीलिए सबका ये मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि इसको धीरे धीरे खोला जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलेंगे। सबसे पहले उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर है, प्रवासी है। फैसला लिया गया है कि सोमवार से कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों की गतिविधियों को खोला जाएगा। अगले एक हफ्ते के लिए ये दोनों सेक्टर खुले रहेंगे। सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन दो चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन दो गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले एक हफ्ते के लिए इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब हम हफ्ता दर हफ्ता जनता के सुझाव और एक्सपर्ट से राय लेकर लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते अगर बीच में लगा कि कोरोना बढ़ने लगा तो हमें अनलॉक की प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा। आप सभी लोगों से अपील है कि कोरोना से संबंधी जो भी एहतियात हैं उसे जरूर बरतें। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अगर बीच में ऐसे लगता है कि कोरोना बढ़ने लग गया तो फिर हमें एक्टिविटीज खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा। दिल्लीवासियों से अपील करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी लोगों की मदद की जरूरत है। जब नियम का पालन करेंगे तभी दिल्ली में सभी आर्थिक गतिविधियां खुल पाएंगी। अगर कोरोना फिर से बढ़ने लगेगा तो हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं लॉकडाउन लगाना। लॉकडाउन कोई अच्छी चीज नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले। ये वक्त बहुत नाजुक है। हम सभी को बहुत ही गंभीरता से कोरोना को लेना होगा ताकि हम मिलकर दिल्ली को बचा सकें और देश को बचा सकें। कोरोना नियमों की अनदेखी एकदम मत करें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।